नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने टीचर से आपको मिलाता हूँ। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। आपका पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा टीचिंग के लाइन में एक्सपीरियंस है, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे स्टडी करें? बच्चों के लिए हमारा ये मैसेज है कि बच्चे जो है पूरी टॉपिक को जो है पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको ध्यान से पढ़ें, फिर उसको समझें, और ये देखेंगे उसमें क्या सही है क्या गलत है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे गुरु से, टीचर से। पर आजकल ये देखा गया सर जी कि बच्चों का ध्यान स्टडी में कम होता है, फिल्मों में या इंटरनेट में फजूल की गप्पे लगाना, फेसबुक पे चैटिंग करने के ऊपर ज़्यादा होता है। वो बच्चे अपना कंसंट्रेशन स्टडी में कैसे लगाएं? कंसंट्रेशन लगाने के लिए एक तो प्रॉपर उनको टाइम टेबल अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, ये शेड्यूल बना के उसको ऊपर अमल भी करना चाहिए, ठीक है, जिसमें उसको उनको टाइम निकालना चाहिए टीवी देखने के लिए भी, इंटरनेट चलाने के लिए भी, तो बाकी एक्टिविटीज़ करें उनके लिए भी, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए उनको कि क्या चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ बाद में इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक और बात है कि जैसे आजकल बच्चे ना ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे में नेगेटिवपन आ जाता है कि हमने MBA कर लिया पर जॉब नहीं है, तो आपका इस पॉइंट पे क्या व्यूज़ है? तो जॉब जो है उसकी कोई कमी नहीं है, जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, सही गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सही तरीके से एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, हमें फॉलो करना है उस सिस्टम को, हमें पहले उस सिस्टम को समझना चाहिए, उसके लिए उसको प्रिपेयर करना चाहिए प्रॉपरली। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप भारत के स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स को लेकर कितने पॉजिटिव हैं? अभी हम जैसे पीछे सर्वे आया था कि टेलीविजन पे कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा यूथ होने वाला है, इंडिया के यूथ जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इट मीन इंडिया का फ्यूचर जो है यूथ के हाथ में है, और यूथ अगर सही होंगे, उनकी शिक्षा सही होगी, उनको नॉलेज सही होगी, तो आगे जाके ग्रो करेंगे और इंडिया को जो है काफ़ी ऊँचाई में पहुँचाएंगे। ओके सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।